रही तालिबान की बात, तालिबान की हम बात क्यों करें? नहीं, बच्चे मारे जा रहे, महिलाओं को किस तरह परेशान किया जा रहा है? कहाँ पे मारा जा रहा? तस्वीरें नहीं देख रहे? तस्वीर कैसी? एरोप्लेन वाली तस्वीर नहीं देखी? तस्वीर दिखाई, पर वो तो मान झूठ थी क्या? वो तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बोला अभ्यास कर रहे थे। वो उनकी तुलना भगत सिंह से कर रहे हैं, आप बताओ गलत है कि सही है? आज अलकायदा ने बधाई दी तालिबान को और ये कहा कि अगला टारगेट अब कश्मीर का है। दोस्तों, अफगानिस्तान की धरती से अमेरिकी फौज की हुकूमत अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और अब पूरी तरह से तालिबान का अफगानिस्तान पर राज हो गया है। दोस्तों, अमेरिका फौज के जाने के कुछ घंटे बाद ही अलकायदा ने तालिबान को एक बधाई पत्र भेजा और बधाई पत्र में कश्मीर को आजाद करवाने की भी बात कही। वहीं दोस्तों, भारत में भी ऐसे बहुत से मुस्लिम लोग हैं जिनका तालिबान को लेकर बहुत जोरों से दिल धड़कता है, जिसमें सपा के एक मंत्री भी शामिल हैं जिन्होंने तालिबान की तुलना भगत सिंह से कर दी। इसी मुद्दे को लेकर जब एयरलाइंस इंडिया के रिपोर्टर नवीन चौहान ने मुस्लिम लोगों से बात की तो भारतीय मुस्लिम्स ने कश्मीर और तालिबान को लेकर क्या जवाब दिया, ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मेन वीडियो, और वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और लाजवाब है, इसलिए अंत तक जरूर देखना। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम। तो आइए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। एक और भाई साहब है, क्या नाम है जी? मोहम्मद फैजान। मोहम्मद फैजान, मुस्कुरा रहे हैं, क्या मतलब है मुस्कुराहट का? मुस्कुराहट तो रहनी चाहिए इंसान के चेहरे पे। बिल्कुल रहनी चाहिए। कैसे हाल है देश के? बहुत बढ़िया। और प्रदेश के? प्रदेश के भी सारे हालात ठीक हैं। योगी का काम कैसा रहा? योगी काम कैसा बताएं, बस योगी काम ये रहा कि हिंदू मुस्लिम को आपस में बांट दिया है जी। आए वरना तो होना तो ये चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एकता की जब नारा देते हैं कि सबका सबका साथ सबका विकास, तो विकास की तो कोई बात ही नहीं रही, एक ही उसको क्यों टारगेट बनाया जाता है? क्या हम इस देश के नहीं है क्या, ये बताएं आप। आपको कौन सी घटना से ऐसा लगा कि टारगेट लगता है? एक इशू बना लिया जाता है कि मुसलमान है, ये है मुसलमान, वो है। हमारे बड़ों की कुर्बानियाँ इतनी है इस देश में कि आप तवारीख उठा कर देखें, समझ नहीं, और मुस्लिम से किसी को कोई खतरा नहीं है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो ये हालिया जो चर्चा चल रही है तालिबान की, जी जी, इसको लेकर हमें तालिबान से क्या लेना है? हमारा देश हिंदुस्तान है, हम तालिबान की क्यों बात करें? बताओ तालिबान की हम बात क्यों करें? हमें तस्वीरों को देखकर थोड़ा दर्द तो होता है। देखो तालिबान, सुनो, चाहे कश्मीर हो, हाँ, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी या कोई विदेश मुल्क हो, हर को अपने देश रहने का अधिकार है। हमारा मानना है यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और आपस में सब हैं भाई भाई, तो भाईचारा वो कहाँ गया? भाईचारे की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, एकता की बात होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की। जैसे मान लो दो बच्चों कानून है तो वो हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी, सिख के लिए भी, ईसाई के लिए, वो सबके लिए होगा जब आएगा तो? सबके लिए तो होगा, वो बात सही है, पर मुस्लिम अपना अपना अधिकार है। वो तो मतलब ये तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन कौन सी बात से आपको लगा भाई वो वाली बात है, वो ध्यान है मेरे, उस बात से मुझे ऐसा लगा कि हमारे में दीवारें बांट दी। बाकी जैसे मीडिया बात को पहुंचाती है, उनका पहुंचाने का तरीका गलत है। एक मुसलमान को इशू क्यों मनाया जाता है? आप ऐसा लग रहा है जो एटीएस सेंटर देवबंद में खोल दिया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जैसे ये तालिबान का मामला हुआ उसके तुरंत बाद सेंटर एक नहीं हजार खोल दें, अच्छी बात है, वो तो ऐसा होना चाहिए। हम इससे इनकार नहीं कर रहे कि मुसलमानों के लिए खुला, उसके हम क्यों गए इस बात को, ये तो अपनी सेफ्टी के लिए। रही तालिबान की बात, तालिबान की हम बात क्यों करें? नहीं, बच्चे मारे जा रहे, महिलाओं को किस तरह परेशान किया जा रहा? कहाँ पे मारा जा रहा? तस्वीरें नहीं देख रहे? तस्वीर कैसी? अब झूठ को सच, सच को झूठ, झूठ को सच तो कर मीडिया बता रही। अब मान लो यहाँ थोड़ा हो रहा है, हेलीकॉप्टर वाली तस्वीर भी नहीं देखी? ये देखिए आप, कैसे कैसे हालात, हेलीकॉप्टर वाली तस्वीर नहीं देखी? अब ये सच्ची बात है नहीं, कैसे कह सकते हैं? एरोप्लेन वाली तस्वीर नहीं देखी? तस्वीर दिखाई, पर वो तो मान झूठ थी क्या? वो तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बोला अभ्यास कर रहे थे। वो तो उनकी बात पे भरोसा, आपको दुनिया में चल रहा है वो भरोसा, उनकी बात पे कैसे भरोसा? हमें तो बम ब्लास्ट हो गया, 12 अमेरिकी सैनिक मर गए, कितने बच्चे, 75 लोग मर गए। बात को घुमाओ मत आप, बात पहले मेरी सुनिएगा आप। मतलब हमारा कहना है हमें तालिबान से कोई लेना देना नहीं, हमें हिंदुस्तान में रहना है, हिंदुस्तान हमारा है। भाई तालिबान से हमें क्या लेना देना, ये बताइए आप। बार बार तालिबान को मार रही है भाई, रह रहे हम हिंदुस्तान में, तालिबान क्यों बात करें हम? भाई साहब आप ये बताओ, चर्चा तो तेज है? नहीं नहीं नहीं, चर्चा तेज है। देखो मैं फिर ये कह रहा हूँ, ये कल की दिमागी साइकोलॉजी है, जैसा सोचता है वैसा है क्या? कि उन तस्वीरों को देखकर कुछ लोग खुश भी हैं भारत में? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा भी ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम लोग तो बिल्कुल भी खुश नहीं हो सकते हैं। हाँ, उन तस्वीरों को देखकर कम से कम ये बाहर निकल के बात कही, मतलब हम मानते हैं कि गलत हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल गलत हो रहा है, अगर हम मानते हैं अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है। नहीं, कोई भी बच्चा मरेगा कैसे कोई खुश हम किस तरह की सो जाएगा बताओ? मैंने नहीं कहा आप खुश हो, मैंने कहा बहुत लोग हैं, बहुत लोग कौन है?
वो तो लोग हैं, मैंने बताऊंगा ऐसा है। एक मिनट, शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने जीते ऐसे भारत की जीत हुई थी, आजादी मिली ऐसे उनको मिल गई, वो खुश नहीं है किस बात से? किसी ने विरोध करा उनका? अगर वो सांसद हैं वो समाजवादी पार्टी के, अगर वो खुश हैं तो वो गलत हैं बिल्कुल। वो उनकी तुलना भगत सिंह से कर रहे हैं, आप बताओ गलत है कि सही है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अशफाकुल्ला खान से उनकी तुलना हो रही है? नहीं नहीं नहीं, उनसे कैसे कर सकते हैं? जो साथ में रहे हैं वो जिसने हमें हमारे देश को चलाया है और हमारे देश की साथ रहे, वैसा तो हो ही नहीं सकता है बिल्कुल। कैसे कर सकते हैं उनकी तुलना अशफाकुल्ला खान साहब से? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं और करनी भी नहीं चाहिए। मेरा मानना यह है कि करनी भी नहीं चाहिए उनका। जो हो रहा है वहाँ पे हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है और ये सही नहीं है। हमें तो हमें मेन चीज़ ये है कि हम लोग को जो है हमें अपने हिंदुस्तान से लेना देना है और किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ का खा रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, यहीं से हमें कमाई मिलती है, यहीं से हमारे फैमिली सब चीज़ पलती है, यही चीज़ हमारे लिए सब कुछ है, हमारे लिए हमारा हिंदुस्तान है। हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मोहम्मद खालिद मेरा नाम है। मोहम्मद खालिद ने तो कह दिया कि गलत है, आपने नहीं कही लेकिन बात कहीं नहीं, घर में तो तस्वीर ऐसा नहीं। आप कैमरा उधर पहुंचा, मैं क्या कर सकता हूं? आधा दिखाओ, ऐसा है, देखो मेरी बात सुनो, मुसलमान हो या हिंदू हो, गलत हो रहा है कि वहाँ नहीं, ये बताओ, कोई भी गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा वहाँ, मैं बताऊँ। आप क्यों नहीं बोल रहे? मैं बोल रहा हूँ तस्वीरें गलत है। देखो अगर वो तस्वीर है, क्या कहूँ, अगर गलत है तो पूरी दुनिया गलत कहेगी उसको, अगर सही है तो पूरी दुनिया सही कहेगी, तो गलत है तो गलत है, गलत को मैं भी कह रहा हूँ। बाकी सवाल 53 मुस्लिम देश का है जो रहनुमा मनते थे, वो कहा है उनकी मदद के लिए क्यों नहीं पहुंचे वो? आपने उनसे सवाल नहीं किया, किसी ने नहीं सवाल किया इनकी मदद के लिए? उनसे देश मुस्लिम देश है ना, उनको उनकी सेवा करनी चाहिए ना। जो बच्चे आज मर रहे हैं वहाँ पे, जो महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, आपको नहीं लगता कि उनको मदद के लिए आना चाहिए? देखो मेरी बात सुनो, जो ऐसा कर रहा हमारी जो मतलब हदीस में है, जो जिस तरह टारगेट बनाया जाता है मुसलमान ऐसा करता है ऐसा करता है, अगर है वो मुसलमान सच्चा, वो इस काम को अंजाम नहीं दे सकता। आज अलकायदा ने बधाई दी तालिबान को और ये कहा कि अगला टारगेट अब कश्मीर का है। तुम मैं अलकायदा से तालिबान से मतलब क्या? पहले बात सुन लीजिएगा, कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं क्यों, कैसे कर रहे हैं? हम हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान कश्मीर को उनके बाप का है, उनके बाप का है कश्मीर, कश्मीर हमारा है, हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानियों का है कश्मीर। और जो ऐसे आंख उठा के देखेगा उसका क्या आश्रय? चीर फाड़ देंगे उसको हम। अरे हम उसको कुर्बानी दी मुसलमानों ने, आज भी कुर्बानी देंगे, आज सुबह कफन बांध के निकलेंगे, आज भी आगे हमें अगर कश्मीर के कोई ऑप्शन उठाते हैं, आज भी आगे हम खड़े मुसलमान। ऐसा नहीं है कि मुसलमान इस बात से पीछे है, ये तो गलत सोच है आदमी की। और वो ऐसा कर रहे हैं तो दरिंदे हैं वो, बिल्कुल समझ गए नहीं। हम आते आते फैजान जी बोली गई है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद हम कहेंगे। आखिरकार बहुत ज्यादा कुर्बानी मुसलमानों की, तवारीख उठा कर देख लीजिए आप, हमेशा देंगे, हमेशा देंगे कुर्बानी। आप आओ कोई मामला, सबसे पहले हम सरोवर पर मिलेंगे इंशाल्लाह। जो हमारे हिंदुस्तान की तरफ क्यों बोल रहे हो भैया? आप क्या कहोगे? हम कुछ कहना चाह रहे तो चलिए, बहुत अच्छी बात उन्होंने रखी अपनी।